everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel and welcome back to this another amazing haul video series. So happy Diwali to you all in advance. Diwali festival बस आने ही वाला है and हम सब ने अपने घरों को decorate करना start कर दिया है. So इसी Diwali decoration को और enhance करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी haul video लेकर आई हूँ जिसमें आपको काफी सारे होम डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिलेंगे एंड दिस ऑल आर अंडर 400 रुपीज. तो 400 रुपीज में आप बहुत अच्छे से अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हो. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हो मीशो के ऐप पर. एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So let's unbox our first product. Our first item is these panchmukhi diyas. तो ये metallic panchmukhi diyas हैं. ये kind of a decorative item भी है. आप मंदिर के पास में इनको लगा सकते हो और you can use it as a panchmukhi diya. ये full body जो है metallic है and यहाँ पे आपको ये panchmukhi diya मिल जाएगा. So ये दो panchmukhi diya मैंने मीशो से लिए हैं 296 रुपीज के. 296 रुपीज की ये क्वालिटी जो मुझे रिसीव हुई है and just in love with these. तो For me, it's a very nice deal and hats up for this one. Now let's unbox our next product. Our next product is very unique and it is a decorative item. So our next item is artificial diyas. So ये 6 pieces मुझे मिले हैं from Meesho in rupees 135. 135 के 6 pieces आए हैं and इनकी quality मुझे बहुत अच्छी लगी. The whole body is made up of acrylic and यहाँ पे अंदर इनके थोड़े से शिमरनेस भी है तो ग्लिटरी वर्क हो रखा है. अंदर एक LED है दैट विल ग्लो अप यूजिंग दिस स्विच. यू कैन सी हाउ ग्लोइंग दीज आर. तो ओवरऑल मुझे तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. सेल आप रिप्लेस कर सकते हो. ये आर्टिफिशियल दियास बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इसे कहीं भी प्लेस करोगे ये पूरे टाइम लाइट अप होते रहेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन. सो फॉर मी इट्स अ 10/10 डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन. सो लेट मी शो यू आवर नेक्स्ट product and this is one of my favorite and it is the beautiful one in this whole video. So the next item in our list is these beautiful diyas. These are so beautiful, colorful and aesthetic diya holders. Baat karte hain product ki. तो ये मुझे टोटल 8 पीसेस मैंने मंगाए हैं मीशो से. ये पूरा एक कॉम्बो है. मैंने सेपरेटली नहीं मंगाए हैं. ये पूरा कॉम्बो आपको 8 का मिलेगा. तो यहाँ पे पूरा एक साइड आपको ये पिंक कलर के रोजेस का मिलेगा. इसके साथ में आपको 8 पीसेस ऑफ दीज कैंडल्स मिलती हैं. तो आप इसको यहाँ पे प्लेस करके लाइट अप कर सकते हो. इसके दूसरे साइज जो है ये वाले अवेलेबल है. तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर वन ही है. बस ये है कि ये रखने वाला है ये गोल्डन एंड पिंक का जो ये डिजाइन बन रहा है एक चक्री टाइप का. ये बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वन. सबके साथ में आपको 8 पीसेस ऑफ कैंडल्स मिलेंगी. तो ये पूरा सेट मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड टू गिव यू एन आइडिया मैं इसके साथ में आपको ये आर्टिफिशियल दिया भी रखकर दिखाती हूँ तो ये कैसा लगेगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्टिफिशियल दिया लगाने के बाद इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. मैं इसके साथ भी आपको दिखाती हूँ तो सेम दोनों कितने ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं. दीज आर वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल दिया होल्डर. एंड अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. दीज 8 पीसेज ऑफ ब्यूटीफुल सेट आई रिसीव from Meesho is only of rupees 279. So for me it's a 10/10 deal and hats up for these one. So our next product is this panchmukhi lotus diya holder. You can see कितना pretty है and this is very aesthetic. तो यहाँ पे आपको पंचमुखी दिया मिल जाते हैं and यहाँ पे आपको एक और additional candle holder या दिया holder जो है यहाँ पर दे रखा है. तो ये बहुत ही प्यारा सा एस्थेटिक गोल्डन कलर का मेटल फ्रेम वाला एक दिया है जिसमें आप बहुत सारे दिया रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हो. तो दिस इज वेरी आइडियल फॉर दिवाली पूजा. आप इसमें सब में जो है दिया जला सकते हो और मंदिर के सामने इसे रख सकते हो ड्यूरिंग दिवाली पूजा. तो ये बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक एंड बहुत ही अच्छा लुक देगा. सो ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से लिया है फॉर रुपीज 264. तो 264 का ये बहुत ही स्टर्डी सा आपको पंचमुखी दिया मिल जाएगा विद लोटस डिजाइन. तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैंने ये सारे आर्टिफिशियल दियाज यहाँ पर लगा दिए हैं एंड दिस इज लाइटिंग अप सो ग्रेसफुली.
आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका. सो दिस इज अ 10/10 डील फॉर मी एंड एट्स अप फॉर दिस वन. नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट इज दीज ब्यूटिफुल लोटस कैंडल होल्डर. तो ये बहुत ही प्यारे कैंडल होल्डर्स मैंने मंगाए हैं मीशो से एंड यू कैन सी कितना प्यारा इनका लुक है. दीज आर वेरी प्रिटी एंड एस्थेटिक लोटस कैंडल होल्डर. अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की. तो प्रोडक्ट में आपको जो है ये दो पीस मिलेंगे. दीज आर डिटैचेबल ऑफ कोर्स. तो ये पूरा आपको लोटस की शेप का मेटेलिक लोटस फ्लावर जो है आएगा एंड द सेकेंड वन इज दिस ब्यूटीफुल सा ग्लास. एंड खास बात एक और है इसके अंदर कि अगर हवा भी चलती है तो इट इज नॉट गोना हैम्पर द कैंडल लाइट बिकॉज ये पूरा ग्लास से शील्ड रहेगा. तो मैंने इसके अंदर ये आर्टिफिशियल कैंडल डाल दी है एंड देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दीज आर आर्टिफिशियल वंस एंड यू कैन सी कितना प्रिटी लुक आ रहा है इसका. मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. दिस इज अ वेरी नाइस डेकोरेटिव आइटम. बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. तो ये दो प्रोडक्ट मैंने लिया से इन रुपीज 300. तो 300 रुपीज के ये दो बहुत ही प्यारे एस्थेटिक प्रोडक्ट मैंने लिए हैं मीशो से एंड दीज आर वेरी नाइस क्वालिटी वन. सो फॉर मी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन. सो आवर नेक्स्ट आइटम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज अ पूजा रिलेटेड आइटम. आवर नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्यूटीफुल अगरबत्ती स्टैंड. इट इज वेरी शाइनी एंड वेरी एथनिक टाइप का ये मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है. तो ये पूरा जो है ओपन हो जाता है यहाँ से. यहाँ पे आपको टोटल 5 जो है स्लॉट्स दे रखे हैं. तो एक साथ आप 5 अगरबत्तियां लगा सकते हो इसके अंदर में. अगरबत्ती लगाने के बाद आप इसको जो है यहाँ से बंद कर दोगे तो जो भी अगरबत्ती होगी इसके पूरी जो धुआं होगा वो ये जो टाइनी सी आपको ये ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं यहाँ से निकलेगा. सो देखने में ब्यूटीफुल लगेगा ये पीस एंड यहाँ पे ये जो स्टोन का वर्क हो रखा है ये लाइट पड़ने पर दीज आर गना शाइन. तो बहुत ही शाइनी पीस है ये. आप अपने मंदिर में कहीं भी प्लेस कर सकते हो. एंड अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. सो 150 रुपीज का ये आइटम मैंने लिया है मीशो से एंड जो इसकी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है एंड जो ये कलर कॉम्बिनेशन है गोल्डन एंड दिस स्टोन वर्क इट इज वेरी नाइस. सो फॉर मी इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एंड येट अ डेकोरेटिव आइटम. सो हैट्स अप फॉर दिस वन. Now let's unbox our next item. Our next item is a home decorative item as well as it is related to puja. तो ये 2-in-1 टाइप का प्रोडक्ट है. सो आवर नेक्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट इज दिस ब्यूटीफुल गणपति जी दिया स्टैंड. यू कैन सी हाउ एस्थेटिक दिस आइटम इज. अब बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की. तो ये फुल बॉडी जो है वो मेटालिक है. मेटल का ये पूरा जो है पीस बना हुआ है. यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा गणपति जी का फिगरीन बनाई है. यहाँ पे आपको एक प्रॉपर दिए का स्पेस दिया है. यहाँ पे आप जो है या तो आप इसके अंदर खुद ही ऑयल फिल कर जो है बत्ती लगा सकते हो या फिर आप इसके अंदर एक दिया भी रख सकते हो. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस लगेगा. अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की. तो 200 रुपीज का ये प्यारा सा पीस मैंने मंगाया है मीशो से एंड जो क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है दिस इज वेरी स्टर्डी. सो फॉर मी इट्स अ वेरी स्टर्डी ऑप्शन फॉर डेकोरेटिव आइटम एंड हैट्स अप फॉर दिस वन. नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी पिंटरेस्टी टाइप ऑफ अ डेकोरेटिव आइटम. सो द नेक्स्ट आइटम्स इन आवर लिस्ट आर दीज 2 पिंटरेस्टी टाइप लैंटर्न्स. And you can see how beautiful these are. ये बहुत ही unique type के decorative item है and ये बहुत ही अलग अलग color varieties में भी available थे. These are available in red, white, blue and green but I chose these blue ones because most of my items are pink, yellow and red already. तो मैंने सोचा कि इसको थोड़े डिफरेंट कलर में जो है मैं मंगाती हूँ. तो ये फुल जो है मेटल फ्रेम का ये पूरा प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे जो ब्लू आपको दिख रहे हैं शेड्स दीज आर ऑफ ग्लास. तो ये मेटल एंड ग्लास का बहुत ही प्यारा सा एक पीस है एंड दीज टू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. और यहाँ पे एक स्पेशलिटी है. फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप इसको हैंग कर सकते हो प्लस आप इसको रख भी सकते हो. तो ये 2-in-1 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और इसके अंदर आप कैंडल भी प्लेस कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे एक ये शाफ्ट सा दे रखा होगा. आपको इसको रोटेट करना है एंड देन ये यहाँ से रिमूव हो सकता है. रिमूव करने के बाद में आपको इसके अंदर एक होल्डर मिलेगा. आप इसके अंदर कैंडल प्लेस कर सकते हो
और उसको जलाकर जो है इसके अंदर लगा सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लुक आएगा। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो 200 रुपीस में मुझे ये दो प्रोडक्ट मिले हैं मीशो से। यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। आप इसको जो है हैंग करके भी रख सकते हो, तो बहुत ही प्यारा सा ये लुक आएगा। नाउ लेट्स अनबॉक्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी ब्यूटिफुल वन एंड दैट इज पूजा रिलेटेड, तो पूजा में आप इसे यूज कर सकते हो और मे बी इन अ होम डेकोर एज वेल। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज दिस रोज दियाज एंड यू कैन सी कितनी ज्यादा प्रिटी है ये। तो प्योरली वैसे देखने से तो ये बिल्कुल ही पूजा रिलेटेड आइटम लग रहा है, बट इफ यू वॉन्ट आप इसको होम डेकोर में भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग दिवाली। तो ये दो आइटम मैंने ली है मीशो से एंड द प्राइसिंग इज 223 रुपीज। तो ये 223 रुपीज के दो पीसेस मैंने लिए हैं मीशो से, क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है। तो मैंने दोनों पीसेस पर जो है ये आर्टिफिशियल कैंडल लगा दी है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज आर लुकिंग। बहुत ही प्यारा सा आइटम मेरे को मिला है मीशो से, आई एम इन लव विद दिस वन। सो फॉर मी इट्स अ वेरी नाइस डील एंड हैट्स अप फॉर दिस वन। तो जो भी मैंने आइटम आपको इस वीडियो में दिखाया है उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से भी क्लिक करके जो है विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज आगे भी बहुत सारे अमेजिंग हॉल वीडियोस आने वाले हैं। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी मिस आउट एनी ऑफ आर कंटेंट। I'll be back again with another haul video. तब तक के लिए be happy, keep shining. Bye.